हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एक्सेल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? डेटा वैलिडेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए डेटा वैलिडेशन क्या होता है। डेटा वैलिडेशन वो होता है कि जो सेल हम सेलेक्ट करते हैं या रेंज, ठीक है, उसमें हम क्या लिखना चाहते हैं, क्या अलाउ कराना चाहते हैं, वो होता है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, आइए देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है। जैसे कि ये टेबल बनी है, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, लेंथ और कस्टम। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हम लोग पहले डेटा में आएंगे, डेटा में फिर डेटा वैलिडेशन, फिर डेटा वैलिडेशन ओपन करेंगे। ठीक है, एनी वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू तो अलाउ रहती है हमेशा। पहले हम क्या आएंगे, होल नंबर पे आएंगे। अब होल नंबर के बाद देखिए एक नया कॉलम है डेटा का, जिसमें क्या है, बिटवीन, नॉट बिटवीन। बिटवीन मतलब दो नंबरों के बीच, नॉट बिटवीन उन दो नंबरों के बीच का नंबर नहीं लेगा। इक्वल मतलब बराबर, नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं, ग्रेटर देन बड़ा, लेस देन छोटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू बड़ा और उसके बराबर, और लेस देन और इक्वल टू छोटा और उसके बराबर। हम लोग ग्रेटर देन लेते हैं। अब पूछा कि ग्रेटर देन किस नंबर के, ठीक है, तो एक चीज़ और करेंगे आप जब भी डेटा वैलिडेशन ऑन करेंगे। देखिए पहले हमने ऑन किया था, ठीक है, तो अप्लाई करते तो कहाँ अप्लाई होता है, यहाँ पे जहाँ हमारा कर्सर है। तो आप लोगों को यही बताना है कि जहाँ भी अप्लाई करना है पहले उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर डेटा वैलिडेशन में आएंगे, फिर होल नंबर, फिर हमने क्या कहा, ग्रेटर देन, और यहाँ पे नंबर ले लेंगे, हमने कहा ग्रेटर देन 50। ठीक है, और ग्रेटर देन 50 के बाद ओके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे A5, A6, A7, A8, 9, 10, 11, इसमें 50 से बड़ा नंबर लेगा, 50 से छोटा नहीं लेगा। देखिए 50 नहीं लिया, क्यों? क्योंकि नंबर जो है वो 50 से बड़ा लेगा, 50 तक का कोई भी नंबर नहीं लेगा। ठीक है, आइए 58 ले लेगा, 89 ले लेगा, 98 ले लेगा, 56 ले लेगा, 65, 32 नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि 32 50 से बड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे 50 से बड़ा कोई नंबर लिख देते हैं, 78, 88। ठीक है, अब इसके नीचे आप 50 या 50 से छोटा नंबर लिखेंगे तो ले लेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डेटा वैलिडेशन हमारा कहाँ लगा था, सिर्फ इतने ही रेंज में। आइए अगला क्या है, डेसिमल सेलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन पे आते हैं, और फिर दूसरा क्या है, डेसिमल, डेसिमल में आते हैं, ग्रेटर देन लगा देते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस नंबर से बड़ा चाहिए आपको। ठीक, तो हम उस नंबर से बड़ा ले लेंगे, हमने कहा कि हमको चाहिए 20.5 से बड़ा। ओके, अब देखिए 20.5 से छोटा जो भी नंबर होगा वो नहीं लेगा। देखे दोस्तों, 20.4 भी नहीं ले रहा है, कहाँ लेगा, 20.5 से बड़ा जो भी नंबर आप लिखेंगे, 20.6, 20.7, 30, 90, 99, कुछ भी लिखेंगे सब एक्सेप्ट करेगा। देखिए 20.6, 20.9, 39, 65। ठीक है, पर जैसे आप 19 लिख देंगे, 19 नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि 19 जो है वो 20.5 से छोटा है दोस्तों। और यहाँ पे कर लेंगे 478, बड़े नंबर कोई भी लेगा। आइए अब यहाँ पे लिस्ट है, देखिए दोस्तों लिस्ट क्या काम करती है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं संडे मंडे,
ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्या लिख लिया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, मान लीजिए इसकी हमको लिस्ट कहीं बनानी है, तो मान लीजिए इस सेल में लिस्ट बनाएंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे सेल जहाँ पे हमें लिस्ट बनानी है, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, क्लिक करेंगे, लिस्ट पे आ जाएंगे। अब पूछा है लिस्ट आपको कहाँ से बनानी है, मतलब आपका सोर्स क्या है, तो हमने क्या कहा कि लिस्ट हमें यहाँ से बनानी है, ले लिए। तो ये पूरी सेल देखिए सेलेक्ट होके यहाँ आ गई, और क्या करेंगे ओके, जैसे ही ओके करेंगे देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एक बटन बन जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो लिस्ट चुनी थी वो पूरी आ जाएगी, आप कोई भी फिर उसमें लिस्ट में से चुन के कोई भी नाम लिख सकते हैं दिन का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप लिस्ट कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पे बनाना है यहाँ पे बना लेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, अब पूछ रहा लिस्ट क्या बनानी है, तो हमने कहा हमें ये बनानी है। ठीक है ओके, अब लिस्ट हमारी क्या बन गई, होल नंबर डेसिमल लिस्ट डेट टाइम, देखिए होल नंबर डेसिमल लिस्ट डेट टाइम लेंथ कस्टम, हमारी ये जो हेडिंग थी ये क्या बन गई दोस्तों, लिस्ट बन गई। ठीक है आइए अब हम लोग क्या देखेंगे, डेट, डेट में भी वही है, डेट ले लेंगे, पूछ रहा है तो हम इसमें क्या लेते हैं, डेट में बिटवीन ले लेते हैं, पहली डेट क्या पूछ रहा है कब से शुरू होना है, हमने कहा 1/8/2020 से। फिर पूछ रहा है इंड डेट क्या होनी चाहिए, हमने कहा इंड डेट होनी चाहिए हमारी 10/8/2020, इंटर। ठीक है अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1/8 से लेके 10/8 के बीच की डेट लेगा, जैसे हम करेंगे 11/8/2020 डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमने वैलिडेशन लगाई है कि हमें डेट कहाँ से चाहिए, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त की, वो भी साल क्या है 2020। ठीक है दोस्तों आइए देख लीजिए, 31 जुलाई, 31 जुलाई 2020 भी नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि 1 अगस्त है। एक 5/8/2/3, 1 से 10 के बीच की कोई भी डेट ले लेगा, वो भी अगस्त 2020 की। ठीक है 5 दो बार भी ले लिया है, अब देखिए 3/9 नहीं लेगा सितंबर, क्यों, क्योंकि 1 और 10 के बीच में चाहिए। ठीक है अब ऐसे ही हम लोग टाइम भी देख लेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, फिर यहाँ पे चुन लेंगे हमें क्या चाहिए टाइम, बिटवीन नॉट बिटवीन, आइए इस वहाँ देख लेते हैं हम लोग, इक्वल टू, इक्वल टू कर लिए 7:00, इसका मतलब क्या है 7 बजे का ही टाइम सिर्फ लेगा और कुछ नहीं लेगा। देखिए जैसे ही 8 करेंगे नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था इक्वल टू, अब देखिए एक्सेप्ट हो गया 7:01 एक्सेप्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ 7 बजे का ही टाइम लेगा। ठीक है दोस्तों अब लेंथ, देखिए लेंथ क्या कहता है, लेंथ वो बताएगा कि आप ये सेल में, हमने क्या कहा आप इस सेल में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट नंबर नहीं, क्या टेक्स्ट, उसकी लंबाई आप कितनी देना चाहते हैं। ठीक है जैसे हमने संडे मंडे लिखा, हम कह देते 3 करेक्टर, तो सिर्फ SUNMONTUE ऐसे ही लेता। ठीक है आइए हम लोग देखते हैं, लेंथ सेलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, कहाँ आते हैं टेक्स्ट लेंथ पे, हमने कहा इक्वल टू, इक्वल टू क्या 3, और ओके।
अब कुछ भी लिखेंगे तो किसके बराबर आएगा? 15 के, FUNDAY। संडे नहीं लेगा, क्या लेगा? FUN। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप दो भी करेंगे तब भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन 3 कहते तो 3 से ज़्यादा लेता, 3 के बराबर भी नहीं लेता, लेस देन कहते तो 3 से छोटा लेता, ग्रेटर देन इक्वल टू कहते तो 3 से लेके उसके बड़ा लेता, और लेस देन इक्वल टू कहते तो 3 से लेके इसके छोटा। ठीक है दोस्तों, THU और SAT, और यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए लिख दे BHU। कुछ भी लिखेंगे लेंथ वाले इसमें तो कितना लेगा? सिर्फ 3 ही कैरेक्टर का टेक्स्ट लेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्या देखेंगे, कस्टम। कस्टम क्या होता है दोस्तों? कस्टम मतलब आपने अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसमें प्री डिफाइंड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि कस्टम कैसे काम करता है। हम क्या करेंगे, हम ये जो रेंज सेलेक्ट किए हैं इसमें हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि जो भी हम नंबर लिखें वो दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, आइए देखिए कैसे काम करेगा। इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के लिए आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर्गुमेंट मतलब उसके अंदर क्या क्या लिया जाता है वो पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, हमने लिखा काउंट इफ, फिर हमने रेंज सेलेक्ट किया, फिर हम इसको लॉक करेंगे जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, लॉक करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा और पहली सेल देंगे जहां से अप्लाई करना है, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी नंबर इसमें लिखे तो कितनी बार आए, सिर्फ एक बार, और ओके कर देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1, जैसे ही आप दोबारा लिखेंगे 1 तो वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमने दिया था कि कोई भी नंबर हम लिखें तो उसकी गिनती कितनी बार आनी चाहिए, सिर्फ एक बार, तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट नंबर नहीं आने देता है दोस्तों। ठीक है, 2, 3, 4, 5, फिर से 5 नहीं लेगा, क्या लेगा, 6, 89। कोई भी नंबर आप लेंगे पहली बार में वो लेगा, पर जैसे ही वो रिपीट करेगा उस वैलिडेशन के अंदर तो वो नंबर नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।